मंत्री जयवीर सिंह ने करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने करहल चौराहे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि नगर के मुख्य चौराहे पर जल्द ही अन्य महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित होंगी। 2 माह के अंदर विकास भवन के समीप बृहद ऑडिटोरियम म्यूजियम संग्रहालय के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। जनपद के 36 पुरातात्विक महत्व के स्थलों मंदिरों के पर्यटन विकास का कार्य कराया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा कई मंदिरों के जीर्णोद्धार पर्यटन विकास के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। चयन ऋषि आश्रम, मार्कंडेय ऋषि आश्रम, रामलीला मैदान कुरावली, रामलीला मैदान नगर मेनपुरी में कार्य प्रगति पर है। जनपद को सुंदरता भव्यता प्रदान करने के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा। यह बाईपास आगरा रोड जरामई से होते हुए भोंगांव रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास निकलेगा। अपने आप हो रहा है, सफलता की रूपये में किसी का प्रयास होता नहीं। जनता की भावना है, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, अगाध श्रद्धा है, उसी के बल पर 2024 में 80-80 सीटें जीतने जा रहे हैं। धार्मिक बजट से काम करवा रहे हैं, वहाँ पे घोर अनियमितता देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या उनके खिलाफ कार्रवाई? जहाँ जहाँ अनियमितताएं होंगी निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। कोई भी अधो मानक काम नहीं होने दिया जाएगा, गुणवत्ता के साथ कार्य होंगे। अगर कहीं आज एक मामला बताया है, आज ही MD को कह करके आज ही जांच के आदेश दिए हैं। ये भय रहता है कि सुबह होते ही पता नहीं कौन सा पार्टी का धड़ा हमारा टूट गया, आप शामिल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं था तो RLD को अपनी तरफ झुका रहे हैं आप? देखो, सही बात तो ये है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारे लोक कल्याणकारी कार्यों के आधार पर, गरीब कल्याणकारी कार्यों के आधार पर, प्रदेश में बढ़ती हुई विकास की गति को लेकर के, प्रदेश के कानून के राज को लेकर के, दंगा मुक्त प्रदेश को लेकर के, बुलडोजर बाबा जी की लोकप्रियता को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री की विश्व पटल पर बढ़ती लोकप्रियता को लेकर के, और हर जनमानस, हर वर्ग, धर्म और जात का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है। अगर वह जुड़ रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? मतलब विपक्ष खत्म कर देंगे, हो जाए तो हो जाए, हमारा क्या दोष है? आपने अभी कुछ दिन पूर्व 2024 में मैनपुरी से दावेदारी ठोक रहे हैं, आप दिल्ली मुलाकातें चल रही हैं, नड्डा जी के साथ मीटिंगें चल रही हैं, ऐसा सुर्खियों में चल रहा है, क्या कहते हैं? मेरा कोई इरादा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिसे लड़ाएगी मैनपुरी से चुनाव लड़ेगा, समझाई से लड़ेगा, लेकिन 80-80 सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठी में जाने वाली है 2024। लेकिन मंत्री ये बहुत बेसार बारिश हो रही है मैनपुरी में, एक तो जो मक्का की फसल थी और मूंगफली की चौपट हो गई है, क्या सरकार से व्यवस्था करेंगे जिससे किसान किसानों की भरपाई हो? आपको शायद संज्ञान होगा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के किसान फसल बीमा योजना शुरू लॉन्च किए हैं, उसकी लगातार विज्ञापन भी आ रहे हैं, किसान अपनी फसलों का बीमा करा लें। बीमा में इतना प्रावधान है कि किसान की लागत से ज़्यादा पेमेंट बीमा करता है। जिन किसानों को भी क्षति हुई है उनको बीमा करा लेना चाहिए था, या बीमा करा लिया होगा तो मिलेगा, सबको मिलेगा। और ये नहीं बीमा कराया है तो जो भी इस तरह की फसल के पैदावार करने वाले हो, कोई भी फसल हो, उसका बीमा करा लेंगे। और उसमें प्रदेश सरकार बीमा की जो किस्त आती है, प्रदेश सरकार भी अपने हिस्सेदारी करती है, भारत सरकार भी करती है। बहुत मामूली सा शेयर केवल किसान को देना पड़ता है, उससे बहुत बड़ा फसल का जो रिस्क है वो कवर हो जाता है। किसी प्रकार के किसान को कोई क्षति न हो, उसकी भरपाई हो, ये प्रयास राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों कर रही है। आखिरी सवाल, आसुरी शक्तियाँ राजनीति में कौन है इस समय भाजपा? राजनीति की बात नहीं हुई, मैनपुरी के खिलाफ, मैनपुरी के राजनीतिक बात मत करिए, मैनपुरी के सम्मान के खिलाफ, मैनपुरी के गौरव के खिलाफ की तरफ जाता है ये कुछ नहीं, मैनपुरी के गौरव के खिलाफ, मैनपुरी के सम्मान के खिलाफ, जो भी आसुरी शक्तियाँ मैनपुरी को छेड़ने का, तोड़ने का, गिराने का काम करेंगी, उसके लिए माला प्रताप जी का भाला तैयार है। मंत्री आज गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज,
इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।